दोस्तों गवर्नमेंट की बहुत ही बड़ी अपडेट, अगर आपके घर में एलपीजी गैस कनेक्शन है तो अब आपको फिर से ईकेवाईसी करना पड़ेगा और यह चेक भी करना पड़ेगा कि ईकेवाईसी हुआ है या फिर नहीं हुआ है। अगर आपके एलपीजी गैस कनेक्शन में ईकेवाईसी नहीं हुआ रहेगा तो जो सब्सिडी आपको मिलता है वो मिलना दोस्तों बंद हो जाएगा, यानी कि उससे जो भी आप लाभ ले रहे थे, जो आपको थोड़ा बहुत बचत हो रहा था वो बंद हो जाएगा, गवर्नमेंट बंद कर देगा। तो कैसे दोस्तों आप ईकेवाईसी करेंगे और कैसे आप यह चेक करेंगे कि ईकेवाईसी हुआ है या फिर नहीं, ये सब मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। और दोस्तों ईकेवाईसी करने के लिए आपको एजेंसी पर जाने की जरूरत नहीं है, आप घर बैठे अपने मोबाइल फोन या लैपटॉप से 2 मिनट के अंदर कर सकते हैं। तो कैसे दोस्तों आप ईकेवाईसी करेंगे, कैसे आप चेक करेंगे, सब कुछ इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो उसके लिए बस आप इस वीडियो को लाइक कर दो एंड कंटिन्यू गाइस इस वीडियो को देखते रहो। दोस्तों सबसे पहले आप यहां पर देख सकते हैं गवर्नमेंट का आदेश आ चुका है, एलपीजी गैस ईकेवाईसी ध्यान दें, ईकेवाईसी नहीं करवाई तो बंद हो सकती है गैस सब्सिडी, ये है आखिरी तारीख। यानी कि दोस्तों अगर आप अपने एलपीजी गैस में ईकेवाईसी नहीं करते हैं तो जो आपको सब्सिडी मिल रहा है वो बंद हो जाएगा और आखिरी तारीख भी आ चुका है। यहाँ पर दोस्तों आखिरी तारीख आप देखेंगे तो 15 दिसंबर दिया हुआ है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यानी कि 15 दिसंबर से पहले अगर आप करा लेते हैं तो आपको सब्सिडी मिलेगा, नहीं तो भाई सब्सिडी बंद हो जाएगा। तो जल्द से जल्द दोस्तों आपको अपने एलपीजी गैस कनेक्शन में ईकेवाईसी करना है, ठीक है। तो कैसे आप ईकेवाईसी करेंगे, इसका पूरा प्रोसेस क्या है, घर बैठे सारा काम हो जाएगा, आपको कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। पूरा प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो के अंदर लाइव दिखाऊंगा। तो उसके लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फोन या लैपटॉप में कोई भी एक ब्राउजर ओपन कर लेना है और यहां पर दोस्तों आपको टाइप कर लेना है MyLPG। जैसे आप MyLPG लिखकर सर्च करेंगे पहला लिंक आ जाएगा MyLPG.in, आप देख सकते हैं इसी लिंक के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे MyLPG का जो पोर्टल है ये ओपन होके आ जाता है। यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे तीनों कंपनी के जो गैस सिलेंडर है वो आपको देखने को मिल जाता है, भारत, HP और इंडेन का। तो जिस भी कंपनी का आपके पास सिलेंडर है उस कंपनी के ऊपर आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। तो चलिए हम HP के ऊपर क्लिक कर लेते हैं, हमारे पास HP का है। उसके बाद इस प्रकार से HP का जो ऑफिशियल पोर्टल है ये ओपन होके आ जाएगा। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, तो यहाँ पर दिया है न्यू यूज़र, इसी वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। अब रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप यहां पर चाहिए तो अपना जो 17 डिजिट का एलपीजी आईडी है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, या फिर नॉर्मली आप सर्च कर सकते हैं, जिसमें स्टेट आपको सिलेक्ट करना होगा, डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना होगा, डिस्ट्रीब्यूटर आपको अपना सिलेक्ट करना होगा, उसके बाद जो कंज्यूमर नंबर है उसे यहाँ पर टाइप करना होगा। उसके बाद आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर देना होगा जो रजिस्टर्ड है। उसके बाद कैप्चा कोड को यहाँ पर डालना है, प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों आपका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हो जाता है, OTP वगैरह जो है आपको वेरीफाई करना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों इस पोर्टल पर आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन एक बार हो जाता है तो उसके बाद आपको लॉगिन करना है, तो उसके लिए आप यहाँ पर साइन इन के ऊपर जो है क्लिक कर देंगे। इसके ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे अब आप लॉगिन वाले पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर सिंपली अपना मोबाइल नंबर आपको टाइप करना है जिसे आपने रजिस्ट्रेशन किया है। उसके बाद कैप्चा कोड को यहाँ पर टाइप कर लेना है, लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। जिसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड टाइप कर लेना है, जो भी पासवर्ड आपने अकाउंट बनाते समय सेट किया था, फिर लॉगिन के ऊपर क्लिक कर लेना है। जिसके बाद आप इस पोर्टल के अंदर लॉगिन हो जाएंगे, आप देख सकते हैं आपका जो डिटेल है वो यहाँ पर शो होने लग जाएगा, तो इसे आपको यहाँ पर ओके कर देना है। ओके करने के बाद अब यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे तो जो भी आपका गैस कनेक्शन का पूरा डिटेल है वो यहाँ पर शो होने लग जाता है। यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है, ट्रैक योर रिफिल के ऊपर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, जितना भी दोस्तों आपने गैस सिलेंडर ऑर्डर किया है, किस डेट को ऑर्डर किया है, उसका जो पूरा हिस्ट्री है वो यहाँ पर ओपन होके आ जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं डेट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा और कितना अमाउंट आपने पे किया था गैस सिलेंडर लेते समय, वो अमाउंट यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, पूरा डिटेल आप देख सकते हैं। और इस साइड आएंगे तो यहाँ पर दोस्तों आप सब्सिडी अमाउंट देखेंगे तो यहाँ पर भाई 0-0 है, पूरा 0 है, क्योंकि भाई इन्होंने अपना ईकेवाईसी किया ही नहीं है, आप यहां पर देख सकते हैं। और इस साइड देखेंगे तो पेमेंट कैंसल्ड लिखा हुआ है, क्योंकि ईकेवाईसी हुआ ही नहीं है, तो भाई इनको सब्सिडी कहां से मिलेगा,
समझ लो। तो इसी प्रकार से आपके साथ भी हो सकता है, अगर अभी आपको मिल रहा है तो इन फ्यूचर बंद हो जाएगा अगर आपने ईकेवाईसी नहीं किया। ठीक है, तो कैसे ईकेवाईसी करना है इसका पूरा प्रोसेस मैं आपको लाइव दिखाऊंगा। यहाँ पर ये सब मैंने आपको पहले चेक करा दिया ताकि अच्छे से सारी चीज़ें आपको पता हो। ठीक है, तो अब चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे आपको ईकेवाईसी करना है। तो उसके लिए आपको होम पेज पर आ जाना है। होम पेज पर आने के बाद यहाँ पर दिया है आधार ऑथेंटिकेशन, आप देख सकते हैं इसी वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे इस प्रकार से आपके सामने आधार ऑथेंटिकेशन आ जाएगा। आपके आधार कार्ड का लास्ट 4 डिजिट का जो नंबर है वो देखने को मिल जाता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। ठीक है, जो भी आपने रजिस्टर करवाया होगा गैस कनेक्शन लेते समय वही आधार नंबर। और यहाँ पर आपको कंसेंट दे देना है। कंसेंट देने के बाद कैप्चा कोड जो है जो भी यहाँ पर दिया हुआ है इसे कॉपी पेस्ट कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपको जनरेट OTP वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस पे जैसे आप क्लिक करेंगे आपके आधार कार्ड के साथ जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा उस पे एक OTP जाएगा, वह OTP दोस्तों आप यहाँ पर टाइप कर देंगे। उसके बाद कैप्चा कोड को वापस से यहाँ पर कॉपी पेस्ट करेंगे, ऑथेंटिकेट के ऊपर जो है क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे ऑथेंटिकेट सक्सेसफुली यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा, यानी कि दोस्तों हमारा जो ईकेवाईसी है वो सक्सेसफुली यहाँ पर कम्प्लीट हो चुका है। देख सकते हैं आपके सामने दोस्तों यहाँ पर इनका जो है हमने ईकेवाईसी कर दिया है। अब दोबारा से अगर आप आधार ऑथेंटिकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है योर ईकेवाईसी इज ऑलरेडी कम्प्लीटेड। आप यहाँ पर खुद देख सकते हैं आपके सामने जो है मैं यहाँ पर कंप्लीट करके दिखा दिया, समझ गए। काफ़ी आसान है, 2 मिनट लगेगा आपका ईकेवाईसी हो जाएगा। अगर आप सिर्फ चेक करना चाहते हैं तो बस आपको आधार ऑथेंटिकेशन के ऊपर क्लिक करना है। अगर ऐसा लिखा हुआ आता है योर ईकेवाईसी इज ऑलरेडी कम्प्लीटेड तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, समझ गए। और यहाँ पर भी दोस्तों होम पेज पर आप देखेंगे तो आधार लिंक्ड टू LPG अकाउंट यहाँ पर आप देखेंगे तो यस लिखा हुआ आ जाएगा क्योंकि ईकेवाईसी हो चुका है। ठीक है, उसके बाद आधार लिंक टू बैंक अकाउंट यहाँ पर भी दोस्तों आपको यस देखने को मिल जाएगा, मतलब कि हमने यहाँ पर ईकेवाईसी कर दिया है तो यहाँ पर आपको यस यस देखने को मिल जाएगा। जिसके बाद दोस्तों अब आपको जो सब्सिडी है वो चालू हो जाएगा, आपका सब्सिडी बंद नहीं होगा। और इसी प्रकार से दोस्तों आपके पास चाहे किसी भी कंपनी का गैस सिलेंडर क्यों ना हो उसमें आप ईकेवाईसी कर सकते हैं ऑनलाइन खुद से घर बैठे। और यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे तो जो बैंक डिटेल है वो यहाँ पर नॉट अवेलेबल दिखा रहे हैं, क्योंकि भाई आधार कार्ड के साथ जो भी बैंक अकाउंट लिंक होता है ना उसमें डायरेक्टली जो है सब्सिडी जाता है, समझ लो। तो यहाँ पर बैंक डिटेल की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस था दोस्तों कैसे आप अपने LPG कनेक्शन में ईकेवाईसी कर सकते हैं 2 मिनट में, ज्यादा समय नहीं लगेगा। तो अगर आपको दोस्तों यह वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर करना, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर देना ताकि हमारी ऐसे इंफॉर्मेशन जो वाली जो वीडियोज है उसे सबसे पहले आप देख पाए। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।